ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के बैनर तले सदतपुर त्रिभुनगर में आयोजित विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद पुलिस अधीक्षक शालिनी ने त्रिभुनगर बाजार की आधारशिला का अनावरण किया। इस अवसर पर ग्राम प्रधान अरविंद कुमार कन्नौजिया और सेवा नगरी शिक्षक मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक शालिनी ने कहा कि ग्रामीण पत्रकार पत्रकारिता की सबसे मजबूत कड़ी है, जो सुदूर गांवों में बसे भारत की सच्ची तस्वीर उठाने का कार्य करता है, जिसके आदर्श समाज की संरचना में उसका महत्वपूर्ण योगदान है। अनुरोध है कि आप जितने भी ग्रामीण पत्रकार हैं उनका नाम और मोबाइल नंबर दे दीजिए। सबके पास, जैसा मैं देख रही हूँ, स्मार्टफोन है, तो सब लोग व्हाट्सएप इस्तेमाल भी करते होंगे। तो एक व्हाट्सएप ग्रुप हम लोग ग्रामीण पत्रकारों का अलग से बना लेते हैं, जिसमें हम शामिल रहेंगे। और DM साहब से भी मैं अनुरोध करूंगी कि अगर वो भी इसमें शामिल होना चाहे हो सकते हैं। इसमें दो चीजें खास रहेंगी, एक तो ये कि आपको कोई हमें फीडबैक देना हो तो वो मिल जाएगा, दूसरा कोई आपकी कोई समस्या हो या हमको आपसे कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो वो भी हमें मिल जाएगी। क्योंकि दूर गांव में जब घटना घटित होती है तो हमें निकलने से पहले कुछ तैयारियां करनी पड़ती हैं कि स्थिति क्या है, किस हिसाब से हम निकले, क्या क्या तैयारी करें। तो आप लोगों का जो फीडबैक होगा, रिस्पॉन्स होगा, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक तो ये कि जुड़ने का हमने ये माध्यम रखा है। इसके अलावा अगर कोई भी व्यक्तिगत रूप से मिलके अपनी कोई बात बताना चाहे तो ऑफिस टाइम पे कभी भी आके अपनी बात बता सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। क्योंकि आप लोग आगे आते नहीं हैं, हम पहचान नहीं पाते हैं, तो ये थोड़ी सी कमी दोनों तरफ से रहती है, एक तरफ से नहीं इसको हम कहेंगे। और अगली बात की जो पत्रकारिता वाली बात कही है, ये बात सच्चाई है कि जैसा इन्होंने कहा, पुलिस और पत्रकार दोनों को लपेट लिया अपनी व्यंग्यात्मक शैली में। तो जो आपने पूरी जो लक्षणा शब्द शक्ति का इस्तेमाल किया वो मैं पूरा समझ पा रही हूँ, लेकिन आपने छोड़ा दोनों को नहीं है, दोनों के लिए आपने हकीकत बता दी है। लेकिन ये सच में ये एक सोच का विषय है कि मैं आपको इससे पहले एक चीज़ बता दूँ कि पत्रकारिता में कॉलेज लाइफ में हमें भी जुनून चढ़ा था पत्रकारिता में आने का, 15-20 दिन काम भी किया, लेकिन जब ये लगा कि खबर छापने की जगह उसमें मिर्च मसाला को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, ईमानदारी से बता रहे हैं कि हमने प्रण लिया कि पत्रकारिता नहीं करेंगे। उसके बाद फिर अपने आगे पढ़ाई वगैरह की, मैं भी एक अच्छे खासे अखबार था उसके साथ जुड़ी थी, लेकिन लगा यही दिल्ली में, तो यही लगा कि जहाँ से मेन एडिशन निकलता है दिल्ली है, मेन ऑफिस में ही है, और ऐसी स्थिति की मिर्च मसाला ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा हो बजाय खबर के, तो वो पत्रकारिता नहीं हो सकती। तो मेरा अनुरोध यही है कि जो हकीकत चीज़ है वो सामने आनी चाहिए, और पत्रकारिता एक ऐसी चीज़ है जो बैलेंस बना के रखती है। गांव में हो सकता है कोई बड़ी घटना हो गई हो, लेकिन अगर हमें पता है कि उससे गलत परिणाम हो सकते हैं तो हम उसको सोच समझ के लिखते हैं। उक्त गोष्ठी में पर कमलेश मदेशिया, असलम सुभाष गुप्ता, ब्रजेश मोरिया, मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद रईस, कृष्ण चंद्र दुबे, PS यादव, कमलेश तिवारी, अमित मांझी सहित तमाम ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के सदस्य, पदाधिकारी, तहसील और अन्य लोग इस गोष्ठी में मौजूद रहे।